नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भारत की राजनीतिक जीत हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया पर जो काट्सा एक्ट लगने की बात हो रही थी उसमें भारत को छूट दी गई है। मतलब कहा गया है कि काट्सा जो एक्ट है, जो अमेरिका के द्वारा अपने दुश्मन देशों के ऊपर लगाया जाता है, या फिर कहें कि जो अमेरिका के तीन दुश्मन जो देश हैं, रूस हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, अगर कोई भी देश इन तीनों देशों के साथ व्यापार करता है डिफेंस सेक्टर के अंदर, तो अमेरिका उसको भी पनिश कर सकता है इस काट्सा एक्ट के द्वारा। तो अब बात यह बोली जा रही है कि ये जो काट्सा एक्ट है भारत पर नहीं लगने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत जो है वो रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला है, जिसके चलते भारत को छूट दी गई है कि आप रूस से ये जो हथियार है वो खरीद सकते हैं। तो एक तरीके से भारत की राजनीतिक जीत के तौर पे इसको देखा जा रहा है। तो इस चीज को हम बहुत अच्छे से डिटेल से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी हाल ही में जो यूएस है, जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने क्या किया, नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NDAA, इसमें संशोधन की मंजूरी दे दी है, जो एक तरीके से भारत को छूट प्रोवाइड करेगा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसके तहत भारत को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखने में मतलब मदद मिलेगी भारत को। एक तरीके से भारत के ऊपर अब इस काट्सा का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस अमेंडमेंट के बाद। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि काट्सा इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है और अब भारत को इससे डरने की जरूरत क्यों नहीं है। खैर देखिए, भारत को स्वतंत्र रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों के भय के बिना अब कोई डर की जरूरत नहीं है। अब वो रूस से S-400 मिसाइल जो है वो खरीद सकते हैं। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि S-400 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों और कितनी ज्यादा ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। और NDAA जो एक कानून है जो हर साल अमेरिका के कांग्रेस में लाया जाता है, वहां पर जो रक्षा एजेंसी हैं उनकी पॉलिसीज में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ऊपर पैसा कितना खर्च करना है, आगे काम कैसे बढ़ाना है, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस किया जाता है इस एक्ट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इस संशोधन में क्या कहा गया। देखिए, ये जो संशोधन हुआ है, अमेरिकी प्रशासन को आग्रह करते हैं कि वो जो चीन जैसे जो हमलावर जो देश है, एक तरीके से देखा जाए तो भारत तो अपने प्रोटेक्शन के लिए S-400 प्रणाली को लेना चाह रहा है, क्योंकि उसके बगल में यानी कि भारत के बगल में आप देख रहे हैं चीन है, जो हर टाइम भारत की जमीन को हड़पने के लिए तैयार रहता है। और इस साइड देखें तो पाकिस्तान है, फिलहाल उसकी इतनी हालत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक तरीके से होता है ना कि अपने ये जो इसको हड्डी डालता रहता है तो कुत्ते की तरह दुम हिला के भारत को काटने की तरफ भागते रहते हैं। तो इन दोनों को हैंडल करने के लिए भारत को अपने सिस्टम डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की जरूरत है। तो इसलिए कहा गया कि काट्सा के तहत भारत को छूट दी जाए ताकि वो अपने क्षेत्र की रक्षा कर सके और रक्षा करने के लिए वो हथियार जो वो खरीद सके रूस से। और इसमें कहा गया है कि ये जो कानून है मतलब कि ये जो संशोधन है, इससे अमेरिका और भारत के रिलेशन ही मजबूत होंगे, चाहे वो अगर आप किसी के अंदर बात करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब, इन सब में भारत और अमेरिका जो वो एक साथ आएंगे, दोनों देशों की कंपनीज को फायदा ही होने वाला है इस अमेंडमेंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि काट्सा क्या है। देखिए, काट्सा जो है एक अमेरिकी कानून है जिसको 2017 में लागू किया गया था। इसका मेन मोटिव यह है कि जो अमेरिका के जो दुश्मन है, अमेरिका के दुश्मन कौन कौन से, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया, इन तीन देशों को प्रतिबंधित करने का काम किया जाता है इस काट्सा के द्वारा। इवन अगर कोई दूसरा देश मतलब कि ये नॉर्थ कोरिया हो गया और अब यहां पर भारत इनसे क्या कर रहा है, अगर भारत इनसे व्यापार कर रहा है मतलब कि डिफेंस सेक्टर में अगर व्यापार कर रहा है, तो नॉर्थ कोरिया के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो काट्सा लगाए रखा है, अब यहां पर जो है वो भारत के ऊपर भी काट्सा लग जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि काट्सा से इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ता है, क्योंकि देखिए काट्सा के अंदर 12 कुछ एक तरीके से प्रतिबंध है, उस 12 में से 5 तो डेफिनेटली लगाने ही पड़ेंगे यूएस प्रेसिडेंट को, ऐसा बोला गया। तो यहां पर देखिए, टाइटल 2 ऑफ द एक्ट प्राइमरली डील विद, यहां की इसके मतलब जो ये एक्ट है काट्सा एक्ट, इसका टाइटल नंबर 2 है जो पर्टिकुलरली
पर्टिकुलर मतलब कि एक तरीके से डील करता है रशियन इंटरेस्ट के साथ, रशियन इंटरेस्ट सच है कि भाई जो ऑयल है, गैस इंडस्ट्रीज है, डिफेंस सेक्टर है, जो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि अगर इनमें इन किसी भी सेक्टर के साथ किसी कोई दूसरा देश जो है इनमें व्यापार करता है तो अमेरिका उसके ऊपर काटसा लगा सकते हैं। अब यहां पर हाल ही में जैसे आपने देखा कि रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया गया, मिलिट्री एक तरीके से उन्होंने कहा कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन अभी तक वो चीज चल रही है। तो यहां पर बोला गया कि अगर कोई भी देश रूस के साथ अगर व्यापार करेगा तो हम उसके ऊपर काटसा लगा देंगे, तो काफी सारे जो देश हैं वो इस काटसा से डरते बहुत हैं। इस एक्ट के सेंक्शन नंबर 231 ये यूएस प्रेसिडेंट को पावर देता है कि जो इस काटसा में 12 ऐसे एक्ट हैं जो लागू किए जा सकते हैं या फिर कहीं कि दूसरे देश के ऊपर थोपे जाएंगे, उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, 12 ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ये पावर देता है ये जो यूएस प्रेसिडेंट को इस एक्ट का सेंक्शन नंबर 231। और कहा गया है कि अगर आप किसी दूसरे देश के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर भारत के ऊपर लग रहा है और यूएस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मैं 12 एक्ट, ये जो 12 सेंक्शन है मैं ना लगाऊं, तो यूएस प्रेसिडेंट को कम से कम 5 सेक्शन तो लगाने ही पड़ेंगे भारत के ऊपर अगर काटसा लगाया जाता है। तो यहां पर 5 सेंक्शन तो मजबूरी में लगाने ही पड़ेंगे, जो वो कुछ भी हो सकते हैं जो इस एक्ट में बोले गए हैं। साथ ही साथ ये जो सेंक्शन है 231 ऑफ द एक्ट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज नोटिफाइड 39 रशियन एंटिटीज, मतलब कि एक तरीके से 39 जो रूसी संस्थाओं को उन्होंने पहचाना है, अगर कोई भी देश इनके साथ अगर व्यापार करता हुआ मिलता है या फिर इनके साथ एक तरीके से संगलन मिलता है इनके काम के अंदर, तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब प्रतिबंध जो भारत को प्रभावित कर सकते हैं, देखिए अगर अभी तो वैसे फिलहाल भारत को छूट दी जा रही है कि वो काटसा के तहत नहीं आने वाला है, अगर लगा दिए होते या फिर लग जाएंगे आने वाले टाइम में तो भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए 10 से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जैसे मैंने कहा ना कि 12 सेंक्शन है, 12 सेंक्शन लगा सकते हैं, 12 सेंक्शन में से 10 सेंक्शन में हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 जो सेंक्शन है उससे हमें फर्क पड़ता है। 2 सेंक्शन में पहला सेंक्शन आता है हमारे सामने, प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी बैंकिंग लेन देन का निषेध कर देना। अब देखिए कोई भी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो व्यापार करता है, मतलब जो देश इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करते हैं तो अपनी मुद्रा में नहीं, यानी अपनी करेंसी में ना करके जो अमेरिकी जो डॉलर है उसके अंदर व्यापार कर रहे होते हैं। अब वो एक अलग कहानी है कि अमेरिकी डॉलर के अंदर क्यों व्यापार करते हैं, कि अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है, क्यों वो हर किसी को डरा के ऐसे रख रहा है कि वो काटसा लगा देगा वो एक अलग मुद्दा है। ऐसे समझिए कि एक टाइम है कि भाई एक टाइम हुआ करता था, अमेरिका ने उस वक्त अपनी धौंस जमा ली थी और उसका डॉलर चल पड़ा था, तो अब जितने भी जो देश हैं आपस में अगर इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करते हैं तो उनको ज्यादातर जो है वो डॉलर के अंदर व्यापार करते हैं। अभी हाल ही में जो आरबीआई है उन्होंने कहा है कि हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे आने वाले टाइम में कुछ देशों के साथ, हम उनके साथ रुपए में और वहां की जो दूसरा देश होगा उन्हीं की करेंसी में व्यापार करेंगे। एक तरीके से बहुत एक अच्छा कदम है जो आरबीआई के द्वारा उठाया जाने वाला है कुछ टाइम में। खैर वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, अब बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर बोला गया कि अगर भारत व्यापार कर रहा है डिफेंस सेक्टर में रूस के द्वारा और वो S-400 प्रणाली को खरीद रहे हैं तो इसको खरीदने के लिए रूस को अमेरिकी डॉलर देने पड़ेंगे, और अगर भारत के ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं तो वो बैंकिंग लेन देन नहीं कर पाएगा, एक तरीके से बोले तो अमेरिकी डॉलर को वो इसमें भुगतान नहीं कर पाएगा, जिससे काफी ज्यादा भारत का जो एक तरीके से कहेंगे ये जो डील है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। खैर क्या अमेरिका ने कभी किसी को छूट दी है S-400 प्रणाली को खरीदने के लिए? बेशक 2020 के अंदर तुर्की को S-400 प्रणाली की खरीद के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। एक तो यह सैंक्शन हो गया, दूसरा सैंक्शन आता है हमारे सामने एक्सपोर्ट सैंक्शन। एक्सपोर्ट सैंक्शन का मतलब है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं निर्यात मंजूरी। देखिए इस प्रतिबंध के संदर्भ में ऐसा देखा जाए तो भारत अमेरिका अगर ये लग जाता है तो भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक है, जो डिफेंस पार्टनरशिप है, एक तरीके से वो पूर्ण रूप से बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जो लाइसेंस है जो अमेरिका प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट करने के लिए उन वो सारों को वो कंट्रोल करता है और वो आने वाले टाइम में किसी को लाइसेंस ही नहीं देगा एक्सपोर्ट करने का, तो जिसके चलते बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा। तो यहां पर ये 2 जो सैंक्शन है इनका भारत के ऊपर असर पड़ सकता है, बाकी 10 जो सैंक्शन है उसका भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। खैर अब बोला जा रहा है कि इन 2 से भी भारत को निकाल मतलब कि छूट दी जा रही है। अब छूट के अगर देखें तो छूट मानदंड कि भाई दे सकता है कि नहीं दे सकता, बेशक देखिए 2017 में जब लाया गया था तो 2018 में जो अमेरिकी राष्ट्र जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति को वर्ष 2018 में
केस बाय केस के आधार पर काटसा प्रतिबंध को माफ करने का अधिकार दिया गया था कि भाई आपको किसी देश के साथ नहीं लगाना है तो आप मत लगाइए, भले ही वो रूस के साथ व्यापार कर रहा है या नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापार कर रहा है या फिर वो ईरान के साथ व्यापार कर रहा है, आप नहीं चाहते, वो आपका ज्यादा मित्र घनिष्ठ दोस्त है, आप नहीं चाहते कि आप उसके ऊपर सैंक्शन लगाना चाहते तो आप मत लगाइए। ये पावर दी गई थी 2018 में यूएस प्रेसिडेंट को। अब बात कर लेते हैं ये रूस की जो S-400 प्रणाली है, ट्राइम मिसाइल जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए ये रूस के द्वारा डिजाइन किया गया एक मोबाइल सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अब ये काफी ज्यादा एक उन्नत खतरनाक एक तरीके से कहेंगे कि एक सिस्टम है जो मॉडर्न लॉन्ग रेंज SAM जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम जिसको बोला जाता है थार्ड, देखिए थार्ड जो है वो अमेरिका के द्वारा लाया गया था और S-400 जो है वो रूस के द्वारा लाया गया। कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है थार्ड, इससे भी कहीं ज्यादा उन्नत किस्म का S-400। ये एक तरीके से मल्टी फंक्शनिंग रडार है जो एक ही टाइम में अपने आप ऑटोनोमियस डिटेक्ट करेगा, टारगेट कर देगा सिस्टम को, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, ये लॉन्चर है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है यहाँ पर। इट इज केपेबल ऑफ 3 टाइप ऑफ मिसाइल टू क्रिएट लेयर्ड डिफेंस, 3 तरीके की मिसाइल को ये एक तरीके से निकाल सकता है, एक लेयर्ड बना सकता है। द सिस्टम कैन एंगेज इन ऑल द ऑफ और एरियल टारगेट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल हो गया, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल होगी, और ये 400 किलोमीटर तक और अप टू एल्टीट्यूड अगर मैं बात करूं ऊंचाई तक तो 30 किलोमीटर तक इसमें ये अपना निशाना दाग सकता है। अब ये प्रणाली जो है वो 100 हवाई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकती है और उनमें से 6 को एक साथ निशाना बना सकती है। भारत के लिए महत्वपूर्ण, देखिए भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ने S-400 खरीद लिया है। 2015 में चीन ने रूस के साथ एक समझौते पर साइन किए थे और इसे जनवरी 2018 तक शुरू किया गया था। चीन द्वारा S-400 प्रणाली को खरीदने के बाद एक तरीके से यहां पर देखा जा रहा है गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि भारत के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता सीमित है, लिमिटेड किया गया है। अब देखिए अब अमेरिका यहां पर चीन के द्वारा S-400 प्रणाली खरीद ली गई है तो भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो भी अपने डिफेंस सेक्टर को एडवांस करे, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, क्योंकि जो उसके सामने जो प्रतिद्वंदी, आपने देखा होगा कि जो चीन है वो हमेशा भारत को एक तरीके से भारत की जमीन को हड़पने के लिए तैयार रहता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भारत को भी तैयार रहने की जरूरत है। तो कहा जा रहा है कि जो यूएस है उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए भारत को छूट प्रोवाइड करिए कि भाई वो जो काटसा के तहत आने वाले जो सैंक्शन है उसमें वो नहीं आएगा और अपना व्यापार कर सकता है रूस के साथ। अब भारत अमेरिका संबंध को लेकर अगर काटसा में जो छूट दी गई है उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए NDA में जो संशोधन हो रहा है अमेरिका से रूस निर्मित हथियारों पर अपनी निर्भरता से भारत की धुरी को दूर करने की सहायता के लिए और कदम उठाने की भी आग्रह किया। बोला गया है कि देखिए आप रूस से इतना ज्यादा व्यापार, इतने ज्यादा हथियार क्यों खरीदते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में देखिए आप अगर आप भारत का डिफेंस सिस्टम देखते हैं या फिर डिफेंस सेक्टर आप देखते हैं तो हम ज्यादातर हथियार जो है, सबसे ज्यादा हथियार जो है हम रूस से ही खरीदते हैं। तो कहा गया कि आप रूस से क्यों खरीदते हैं, आप अमेरिका से खरीद लीजिए। अब इसके ऊपर एक जवाब यह आता है कि देखिए हमारे पास जो सिस्टम है हमने रूस से ही स्टार्टिंग से खरीदे हैं। देखिए 1947 में जो भारत आजाद हुआ था तब से भारत के साथ खड़ा रहा है रूस, हमेशा रूस ने भारत का साथ दिया। अब और भारत ने भी रूस से सारे सिस्टम यानी कि सारे डिफेंस सेक्टर रूस से ही खरीदे। इवन रूस का सबसे बड़ा जो आम एक्सपोर्टर है, मतलब कि जिसको आम बेचता है, हथियार बेचता है रूस, वो भारत है, और भारत के बाद आता है चीन सेकंड नंबर पे। तो एक तरीके से भारत रूस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत, और भारत के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूस, क्योंकि हमने सारे हथियार जो वो रूस से खरीद रखे। अब हमारे जो सैनिक है उनको रूस के हथियारों को चलाने में वो निपुण है। अब अचानक से हम अमेरिकी हथियारों को लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लाने चाहिए, बेशक लाने चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी लाए ताकि हम किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने में, उसको समझने में, उसको चलाने में सक्षम हो सके तो बेशक, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। अब एकदम से वो चीजें नहीं हो सकती ना, तो अब अमेरिका से खरीदने बैठेंगे तो इतना सारा सिस्टम जो हमारे पास है रूस से वो व्यर्थ हो जाएगा और हमारे सैनिकों को अलग से प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि जो रूस से खरीदते आ रहे हैं तो इसलिए हम उसी चीज को कायम रखेंगे। अब ये जो संशोधन है एक तरीके से अगर किया जाता है इस संशोधन में तो भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है इससे और ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। और देखिए इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध, मतलब कि एक तरीके से मैं बात करूं डिफेंस सेक्टर में जो व्यापार हुआ है 2008 में $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर था,
अभी बढ़कर 20 बिलियन, 20 बिलियन, देखिए कहां 500 मिलियन हुआ करता था, अभी कहां 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचा। इसके अलावा 2016 में अमेरिका ने भारत के प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी। क्वाड, I2U2, इसमें इन समूह में माध्यम से रणनीतिक संबंधों को मजबूत भी किया गया था। अब देखिए, भारत के लिए रूस मंचों से दूर जाना एक तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, मतलब कि फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ गई, क्योंकि चीन जो वो खुलकर रूस का सपोर्ट भी करता है, इसलिए चीन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता जा रहा है रूस। और ऐसी स्थिति में भविष्य में बदलाव की संभावना नहीं है। और यहां पर मतलब कि इस सिस्टम, मतलब कि जो एक तरीके से जो डिपेंडेंट हो रहा है रूस चीन के ऊपर, तो आने वाले टाइम में इसमें कोई बदलाव देखने की कोई संभावना नहीं मिल रही है। पहले से ही रूस के हथियारों के निर्यात का सबसे सबसे दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा प्राप्त करता आता है वो चीन आता है भारत के बाद। और ऐसे समय पर चीन के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल को देखते हुए रूसी हथियारों पर निर्भरता एक तरीके से कहा जा रहा है कि ना समझी होगी। तो इसलिए भारत को अपना एक तरीके से प्रायोरिटी जो है वो रूस को ना देकर कहीं ना कहीं अमेरिका और बाकी जो दूसरे देश है उनको देनी चाहिए, ताकि वो उन हथियारों में निपुण भी हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज का जो वीडियो है जो काटसा से रिलेटेड है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया है तो बेशक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और PDF के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा पसंद आई है तो बेशक इसको शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।